हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल और चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय वर्मा। दोस्तों, आज का सवाल है जीनोम क्या है। जीनोम को सबसे पहले हांस विंकलर ने 1920 में डिफाइन किया। इनके अकॉर्डिंग जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म से रिलेवेंट होता है और किसी भी स्पीसीज के फाउंडेशन मटेरियल को यह स्पेसिफाई करता है। आजकल मॉडर्न डिफिनेशन चलती है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट में दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग एक जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद पूरा का पूरा DNA कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल जिसमें ढेर सारे जीन्स इंक्लूड होते हैं। ये जीन्स जीनोम या DNA के स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो आगे चल के RNA और प्रोटीन को बनाते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं। तो यह किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिल्ट होने में और उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन की हर एक सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है जीनोम की एक इंटायर कॉपी जिसमें मोर देन 3 बिलियन बेस पेयर DNA ऑलरेडी हर एक सेल्स जिसमें न्यूक्लियस है उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुई बात जीनोम की। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय विज्ञान।